सर महोदय, कांग्रेस संचालन परिषद की बैठक में यह जो फैसला हुआ कि भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी, उससे यही पता चलता है कि कांग्रेस नेतृत्व अगले आम चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। इसमें हर्ज नहीं, राजनीतिक दलों को इस तरह की कोशिश करनी ही चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का उद्देश्य बूथ, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर लोगों से संपर्क साधना है। इस तरह के अभियान जनता को कांग्रेस से जोड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन तभी जब उसके पास ऐसा कोई एजेंडा हो जो लोग को उसकी ओर आकर्षित कर सके। समस्या यह है कि कांग्रेस आम जनता के समक्ष कोई वैकल्पिक एजेंडा पेश नहीं कर पा रही है। वह यह काम भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी नहीं कर पाई। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी वही पुरानी बातें दोहराते रहे जो वह एक लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। भले ही भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य देश को जोड़ना बताया जा रहा हो, लेकिन यह किसी से छिपा नहीं कि ऐसी यात्राओं का मूल मकसद राजनीतिक जमीन मजबूत करना होता है। किसी दल की राजनीतिक जमीन मजबूत हो रही है या नहीं, इसका पता चुनावों से चलता है। यदि हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव नतीजे कांग्रेस के अनुकूल नहीं रहे तो इसका असर भारत जोड़ो यात्रा और साथ ही राहुल गांधी पर भी पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश में है, इसके बाद वह राजस्थान में प्रवेश करेगी। वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच की तनातनी कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यह तनातनी चरम पर आ जाए तो हैरानी नहीं, इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इसी यात्रा के दौरान केरल कांग्रेस में आपसी खींचतान देखने को मिली और उसके पहले जम्मू कश्मीर में पार्टी दो फाड़ हो गई। इसके अलावा तेलंगाना उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी विधानसभा सीट खो दी। कांग्रेस को इसकी तह तक जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। चूंकि ऐसे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, इसीलिए बार बार यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस को भारत से पहले पार्टी को जोड़ने की आवश्यकता है। कांग्रेस में आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यह जो उम्मीद की जा रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी में गुटबाजी पर लगाम लगेगी, वह पूरी होती नहीं दिख रही है। इसका उदाहरण राजस्थान कांग्रेस है।
बहुत से दार्शनिक आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, पूरी दुनिया को झकझोर गए, मगर अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा कि वह कौन थे। आज दार्शनिकों के ही शब्दों में उनकी दृष्टि का सार समझें। मनुष्य जाति के इतिहास में कुछ अपूर्व नया घटने जा रहा था, जिसकी पूर्व तैयारी के लिए वह आए थे। एक नया सूरज उगने वाला था, जिसकी लालिमा से क्षितिज लाल हुआ देख रहे थे, जो हमें आज भी दिखाई नहीं देता। वह कहते हैं एक नया मनुष्य उभर रहा है, और यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि जब से बंदर मनुष्य बने, तब से मनुष्य वैसा का वैसा ही है। पूरी पृथ्वी पर एक महान क्रांति होने वाली है। यह उस क्रांति से कहीं अधिक गहरी होगी जो तब हुई थी जब बंदर इंसान बन गए। उस परिवर्तन ने मन का निर्माण किया। उस परिवर्तन से मनोविज्ञान विकसित हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है, जो आत्मा को आम जीवन का हिस्सा बनाएगा, और मनुष्य न सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक प्राणी होगा, बल्कि एक आध्यात्मिक प्राणी भी होगा। आप अब तक के सबसे जीवंत समय में रह रहे हैं। मेरे अनुसार यह नई चेतना ही आज सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मैं आपको इस नई चेतना के बारे में कुछ बताना चाहूँगा, इसकी दिशाएं और इसकी विशेषताएं, क्योंकि आपको ही यह नई चेतना बननी है। नया मनुष्य कहीं बाहर से नहीं आ सकता, उसे आपके माध्यम से आना होगा। नए मनुष्य का जन्म केवल आपसे हो सकता है। आप ही हैं वह नया मनुष्य। नया मनुष्य हिंदू नहीं होगा, मुसलमान नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा, कम्युनिस्ट नहीं होगा। नया मनुष्य इन सभी विश्वासों को नहीं मान पाएगा। पुराना आदमी भय के कारण जीता था, यहाँ तक कि उसका ईश्वर भी भय की रचना के अलावा और कुछ न था। नया मनुष्य प्रेम से जिएगा, भय से नहीं, क्योंकि भय मृत्यु का काम करता है, प्रेम जीवन का। और यदि आप भय के कारण जीते हैं, तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि जीवन क्या है। आप बार बार केवल मृत्यु को ही जानेंगे। नया मनुष्य इस विक्षिप्त अतीत से मुक्त हो जाएगा। वह रचनात्मक होगा, विनाशकारी नहीं। उसका विज्ञान, उसकी कला सभी रचनात्मकता की सेवा करेंगे। वह बम नहीं बनाएगा, वह राजनीतिक नहीं होगा, क्योंकि राजनीति भय घृणा विनाश पर आधारित है। नया मनुष्य राष्ट्रीय नहीं, वैश्विक होगा। पुरानी पीढ़ी धन के प्रति बहुत आसक्त थी, उसका त्याग व भोग धन के आसपास ही घूमता था। नया मनुष्य धन के
लिए पागल नहीं होगा, वह धन के खिलाफ भी नहीं होगा। उसकी आत्मशक्ति इतनी होगी कि वह धन का खिलौने की तरह उपयोग करेगा और खुद मालिक बना रहेगा। स्टॉप।